बॉडीज बॉडीज बॉडीज, ये इस मूवी का नाम है। क्या हो अगर आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो और उस पार्टी में टशन के चक्कर में खुद की जान चली जाए, और जब पार्टी कर रहे दोस्तों को ये बात पता चलती है कि उनके दोस्त की मौत हो गई है, जिसकी वजह से लोग उसकी मौत का जिम्मेदार एक दूसरे को मानने लगते हैं, जिसके चलते वो खुद को बचाने के लिए एक दूसरे को मारने लगते हैं, और जब लास्ट में पता चलता है कि मरने वाला अपनी ही गलती से मरा है तो अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचता है। अगर आपके साथ पार्टी में ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। मूवी की शुरुआत एक सुनहरे दिन यानी किसिंग सीन से होती है, जहां किस करने के बाद सोफी अपनी फ्रेंड जिसका नाम बी है, वो उसे आई लव यू बोलती है, पर बी सोफी की इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। सोफी के बचपन का दोस्त डेविड है, जिसके घर के लिए दोनों निकलते हैं। डेविड के घर आने वाले तूफान के दौरान दोनों एक पार्टी के लिए जा रहे हैं। यहां सोफी और उसका फ्रेंड डेविड दोनों अमीर हैं, जबकि बी एक पूर्वी यूरोपियन शहर से आती है जो नौकरी करती है और जो सोफी की फ्रेंड है। डेविड के घर पहुंचने पर बी घर को निहारती रहती है। अंदर आने पर सोफी अपने दोस्तों से मिलता है। डेविड उसकी लवर एमा, एलिस और उसके बड़े लवर ग्रेग के साथ और भी लोगों से मिलती है, जिसके बाद वो जॉर्डन से भी मिलती है। डेविड के पास इन सब के अलावा एक और दोस्त था, जिसका नाम मैक्स था, जो यहाँ नहीं था क्योंकि वो डेविड से लड़ाई करने के बाद कल रात में ही चला गया था। पर सोफी को देखकर ग्रुप के बाकी लोग हैरान थे। सोफी डेविड के साथ पर्सनली बात करने के लिए उसके साथ एक कमरे में जाती है। डेविड सोफी को बताता है कि मैक्स ने एमा से जुड़ी किसी बात पर उसे मारा था, और साथ ही ये भी बताता है कि कैसे एमा अपनी नशीली दवाओं की लत की वजह से रिहैबिलिटेशन में थी, और ये उसका एक सवाल भी था कि उसने ऐसा क्यों किया। सोफी बताती है कि इस पार्टी में ग्रेग के आने से वो लोग अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग उसके बारे में बहुत कम जानते हैं, और एक वजह उसका बड़ा होना भी था। इसी बीच जॉर्डन बी को कंफ्यूज कर देती है ये कहकर कि उसे सोफी से सावधान रहना चाहिए। ग्रुप बाहर घूमने के लिए जाता है और नशे में सब डूब जाते हैं, जिससे बारिश शुरू होते ही सभी अंदर पार्टी करने लगते हैं। ग्रुप एक ऐसा खेल खेलता है जिसमें उन्हें एक शॉट लगाना होता है, जिसके बाद एक दूसरे को थप्पड़ मारना होता है। गेम में अब बारी बी की थी, जहां उसे एक शॉट लगाने के बाद डेविड को थप्पड़ मारना था, पर वो उसे बहुत ही हल्का थप्पड़ मारती है, तो डेविड उसे दोबारा थप्पड़ मारने का मौका देता है, पर बी वैसा ही थप्पड़ फिर से मारती है, जिसकी वजह से डेविड गुस्से में आकर वो ग्रेग को एक पंच मारकर बताता है कि उसे इस तरह उसको थप्पड़ मारना चाहिए। पर डेविड के इस बर्ताव से सारी लड़कियां सहम जाती हैं, यहां तक बी भी डर चुकी थी, लेकिन फिर भी ये लोग पार्टी जारी रखते हैं। और इसी दौरान सोफी जॉर्डन को बी के काफी नजदीक देखती है, और यहीं से सोफी को एक बॉडीज 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 गेम खेलने का एक ख्याल आता है। इस गेम को खेलने का उद्देश्य खिलाड़ियों के लिए ये देखना था कि हत्यारे के रूप में किसे चुना गया है, और इन सब को इस बात को गुप्त भी रखना था। खेल को घर की लाइट को बंद करके शुरू किया जाता है, जहां सब कुछ छिपना था, वहीं इस अंधेरे में बी अपने फोन की फ्लैश लाइट चालू करके चलती है और छिपने की कोशिश करती है। खेल खत्म होने के बाद सबसे पहले ग्रेग पीड़ित के रूप में देखा जाता है, जिसे देख ग्रुप को लगता है कि ग्रेग वास्तव में मर चुका है, लेकिन डेविड ग्रेग के नट पर जब टैप करता है तो वो उठ जाता है, जो सिर्फ एक ड्रामा था। जब बी खेल के नियमों को समझ रही थी तो इसी दौरान डेविड ग्रेग का विरोध करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके इस ड्रामे की वजह से खेल को रोकना पड़ा था। ग्रेग खेल को छोड़कर चला जाता है। एमा को सलाह देते वक्त चीजें तनावपूर्ण हो जाती हैं, जब एलिस खुलासा करती है कि एमा ने डेविड के साथ अपने रिलेशन के बारे में बात की और कैसे उन्होंने कभी सेक्स नहीं किया, जिसके बाद डेविड गुस्से में आकर कांच को तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। और फिर जब तक लाइट नहीं जाती है तब तक लड़कियां पार्टी करती रहती हैं। बी जब किचन में जाती है तो वहां उसे डेविड की लाश मिलती है, जहां उसका गला रेता गया था, जिसे देख ग्रुप में ग्रेग के ना होने पर ग्रुप को उस पर शक होने लगता है डेविड की मौत का, क्योंकि ग्रुप को लगता है कि ग्रेग ने डेविड से खुद को पंच मारने का बदला लिया होगा। लड़कियों को लगता है कि डेविड अभी भी जिंदा है, लेकिन वो मर चुका था। ग्रुप इतना ज्यादा डर जाता है कि सब घर को छोड़कर अपनी कार में भागते हैं, पर कार स्टार्ट नहीं होती है। ग्रुप घर में फिर से वापस आता है और डर के मारे डेविड का हत्यारा एक दूसरे को समझने लगते हैं, पर ग्रुप को डेविड की हत्या का शक
मैक्स या ग्रेग पर होता है क्योंकि डेविड की लड़ाई दोनों से हुई थी। पर एलिस को छोड़कर ग्रुप को लगता है कि ग्रेग ने ही डेविड को मारा होगा क्योंकि एलिस को विश्वास नहीं था कि वो डेविड को मार सकता है क्योंकि वो ग्रेग से प्यार करती है। इसी वजह से जॉर्डन खुद को क्लीवर से बांध लेती है। लड़कियां एलिस के कमरे में जाकर ग्रेग के सामान की तलाशी लेती हैं, जहां ग्रेग के सामान में उन्हें एक चाकू और साथ ही घर के स्थान के साथ एक नक्शा भी मिलता है जिस पर नक्शे को मार किया गया था। अब एलिस को भी ग्रेग पर डेविड की मौत का शक हो गया था। इस सामान को मिलने के बाद ग्रुप ग्रेग को खोजता हुआ उसे घर के जिम में सोता हुआ पाते हैं। ग्रेग यहाँ जिम में हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा था। ग्रुप ग्रेग को उसके बैग में मिले सामान के बारे में उससे सवाल करता है और उस पर डेविड की हत्या का भी आरोप लगाता है। लड़कियों की बातें सुनने के बाद ग्रेग अपने बचाव के लिए चाकू छीनकर अपने हाथ में ले लेता है और फिर लड़कियों से अपने हथियारों को नीचे रखने को बोलता है। पर हथियार सबके नीचे रखते ही एमा ग्रेग पर टूट पड़ती है। तो ग्रेग भी अपने बचाव के लिए जब दोबारा चाकू उठाने की कोशिश करता है तो बी ग्रेग के सिर पर कैटल बेल मार देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देख एलिस चीखने लगती है। तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सब अभी भी इस सोच में थे कि आखिर डेविड को किसने मारा। पर सोफी ये जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार वो एमा को बताती है क्योंकि उन्हें लगता है कि मैक्स ने उसकी वजह से डेविड को मारा होगा। सोफी उसकी बेइज्जती करके उसे वहाँ से भगा देती है। पर दोनों किचन में फिर से मिलते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। उसके बाद सोफी ड्रग्स लेती है और इधर अंधेरे में एलिस चलते वक्त गिर जाती है जहां उसे एमा की लाश मिलती है। इतना देखने के बाद लड़कियां एक दूसरे को दोष देने लगती हैं, ये सोचकर कि उनमें से किसी एक ने एमा को धक्का दिया होगा। उसके बाद एलिस और जॉर्डन दोनों को बी पर इन सभी मौतों का शक होता है। उन्हें लगता है कि बी सोफी से झूठ बोल रही है कि वो कौन है क्योंकि उन्होंने उसे देखा कि वो यूटा राज्य से ग्रेजुएट नहीं हुई थी जैसा कि उसने पहले कहा था कि वो यूटा राज्य से ग्रेजुएशन कर रही है। और उन्हें लगता है कि बी ही हत्यारिन है और इसी डर से कि अब वो उनको भी मार देगी इसलिए उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तूफान में बी सोफी से मदद मांगती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वो हत्यारिन नहीं है। पर सोफी चुपचाप रहती है, वो कुछ नहीं करती है और बी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस खतरनाक बारिश से बचने के लिए बी किसी तरह कार के अंदर जाकर अपने कपड़े बदलती है और फिर बाहर निकलकर वापस अंदर जाने का रास्ता खोजती है। तभी वो जॉर्डन को बंदूक रखते हुए देखती है। बी कुत्ते के दरवाजे की मदद से घर के अंदर वापस आती है और सोफी को सारी बातें बताती है कि उन्हें जॉर्डन से सावधान रहना चाहिए क्योंकि बी ने जॉर्डन के पास बंदूक देखी थी। और फिर सोफी को बताती है कि वो सेमेस्टर के लिए यूटा राज्य गई थी और उन्हीं के द्वारा बताए गए स्टोर पर वो काम करती है। लेकिन उसने सोफी से जो बात कही थी वो ये थी कि वो अपनी माँ की देखभाल कर रही थी जिन्हें बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इसी बीच जॉर्डन के बैग से कागज का एक टुकड़ा बाहर गिरता है जिसका मतलब है कि बॉडीज बॉडीज के खेल के लिए वही हत्यारिन थी और इसीलिए उन्हें लगता है कि जॉर्डन असल में सबको मार रही है। फिर जॉर्डन भी सोफी और बी पर बंदूक तान देती है ये सोचकर कि बी झूठ बोल रही है। जॉर्डन बी को बताती है कि उसने और सोफी ने इस घर में आने से पहले सेक्स किया था और उसने सोफी की नशीली दवाओं का इस्तेमाल भी किया था जिसकी वजह से उसे लत लग गई है और जिसकी वजह से वो रिहैबिलिटेशन में रहती है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रही है। तभी सोफी चिल्लाकर बोलती है कि जॉर्डन ने हमेशा एलिस के बारे में बकवास ही किया क्योंकि वो उससे और उसके पॉडकास्ट से नफरत करती है। पर जैसे ही एलिस चिल्लाना शुरू करती है तो जॉर्डन उसके पैर में गोली मार देती है और इसी दौरान लड़कियां जॉर्डन से बंदूक छीनने की कोशिश करती हैं। पर इस छीना झपटी में जॉर्डन एलिस के सिर पर गोली मार देती है जिसके बाद सोफी जॉर्डन से बंदूक लेने की कोशिश करती है। और जब जॉर्डन सोफी पर बंदूक तान देती है तो बी जॉर्डन पर कूद कर उससे बंदूक को छीनने की कोशिश करती है और इसी कोशिश में बी खुद को बचाने के लिए जॉर्डन को रेलिंग पर फेंक देती है जहां गिरने से उसकी मौत हो जाती है। पर मरने से पहले वो बी को सोफी से सावधान रहने को बोलती है और अपनी आखिरी सांस में हवाई फायरिंग करती है। दोनों खुद को बचाने के लिए कहीं छिप जाते हैं क्योंकि बी को अब सोफी पर भरोसा नहीं था और छिपने के लिए
घर में कहीं और चली जाती है। सुबह होते ही बी को इधर उधर सिर्फ लाशें ही दिखती हैं। बाहर निकलने पर वो सोफी को पाती है, जहां सोफी रोते हुए बताती है कि उसकी गलती की वजह से ही एमा की मौत हुई थी, क्योंकि उसने एमा को नशे की गोलियां दी थी जिसके इस्तेमाल से वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर मर गई थी। तो बी बंदूक उठाकर सोफी पर तान देती है और सबूत के लिए अपना फोन उसे देने को कहती है। तो सोफी अपने फोन को बी को ना देकर उसे पूल में फेंक देती है और बी से लड़ने लगती है। फोन को पूल से निकालने के बाद बी को पता चलता है कि वो फोन डेविड का है, जिसे वो अनलॉक करती है, जिसमें दोनों को डेविड का एक टिकटॉक वीडियो मिलता है जहां उसने शैंपेन की बोतल को खोलने के लिए उसी गोरखा तलवार का इस्तेमाल किया था जिससे ग्रेग ने शैंपेन की बोतल को खोली थी। डेविड ने ग्रेग को ऐसा करते हुए देखा था, इसलिए वो भी ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन इस स्टंट को करने के चक्कर में डेविड ने अपना ही गला काट लिया था। अब ये बात साफ हो गई थी कि डेविड को किसी ने नहीं मारा था, बल्कि वो खुद अपनी गलती से मरा था और ग्रुप एक दूसरे को डेविड का हत्यारा मान रहे थे। बी और सोफी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है इस बात को जानने के बाद कि गलती डेविड की थी और हत्यारा किसी और को मानकर बेवजह ग्रेग, जॉर्डन, एलिस की जान चली गई। कुछ देर बाद वहां मैक्स आता है और घर की इस हालत के बारे में पूछता है। तब बी को पता चलता है कि सोफी के फोन में रिसेप्शन का नोटिस था, वो बेवजह सोफी पर शक कर रही थी। सोफी एक रिकवरी ड्रग एडिक्ट थी जो पैसों से आती है। तूफानी बारिश का मजा लेने के लिए सोफी डेविड के घर पर पार्टी करने के लिए बी को लाती है और पार्टी करने की एक मजेदार रात के रूप में जो शुरू होता है वो जल्द ही उतना ही घातक हो जाता है और इस ग्रुप के बॉडीज 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 गेम का खात्मा एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी के साथ होता है। वो कहते हैं ना कि शक से बड़ा हथियार कोई नहीं, जो इसकी चपेट में आता है वो इसी में समा जाता है, बिल्कुल इस मूवी की तरह। इसलिए दोस्तों, शक का इलाज बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपको लगे कि कोई चीज अगर गलत है तो आप उसकी तह तक जाकर उसकी असलियत का पता करिए, ताकि आगे के हालात इस तरह के ना हो। थैंक यू।